लाखों दिलों की धड़कन। खूबसूरत अदाकारा ब्लड कैंसर में मुब्तला हो गई। मद्दाहों के लिए इंतहाई तश्वीशनाक खबर आ गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। ये सच है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, जिसे लाखों खर्च करके भी शायद हासिल ना किया जा सकता हो। मुकद्दर की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दौलत, पैसा, शोहरत होने के बावजूद कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ हाल मशहूर मारूफ भारतीय अदाकारा के साथ भी हुआ है। भारतीय अदाकार अनुपम खेर की अहलिया अदाकारा किरण खेर, जो कि ब्लड कैंसर में मुब्तला हो चुकी है और वो भारतीय शहर मुंबई में जेरे इलाज है। नाज़रीन, किरण खेर अदाकारी के साथ साथ सियासत में भी पेश है और भारत की हुक्मरान जमात जनता पार्टी की चंडीगढ़ रुकन पार्लियामेंट है। अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपनी अहलिया अदाकारा किरण खेर के ब्लड कैंसर में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि किरण खेर का इलाज जारी है। नाज़रीन, बीजेपी की रियासी सदर अरुण सोड के मुताबिक 11 नवंबर के दिन किरण खेर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और जिसके इलाज के दौरान ही उन्हें इस बीमारी के बारे में मालूम हुआ। अरुण सोड के मुताबिक इब्तदाई मरहले में बीमारी का पता लगने के बाद किरण खेर अपने इलाज के लिए 4 दिसम्बर को मुंबई गयी थी। उन्होंने इस बारे में मजीद बताया की किरण खेर की सेहत याबी में 3 से 4 माह लग जाएंगे। किरण खेर अब तक कई कामयाब फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, जिनमें मंगल पांडे, रंग दे बसंती, वीर जारा, द्युदास, मैं हूं ना, दोस्ताना और कभी अलविदा ना कहना जैसी मुतद्दर फिल्में शामिल हैं। नाज़रीन, उन्होंने कई टेलीविजन शोज में भी काम किया है। भारतीय पंजाब में पैदा होने वाली किरण खेर ने सन 2009 में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी और इलेक्शन में पार्टी के लिए मुंतखब होने वाली मुहिम भी चलाई, जिसके बाद सन 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी में इन्हें चंडीगढ़ सीट से उम्मीदवार बना दिया गया और पहली बार पार्लियामेंट तक पहुंची। अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली हर नई खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे।